इस समय धान का सीजन चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं मार्च के महीने में जब किसान मेला लगाया गया था तो बासमती धान की तीन नई किस्में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 हम लोगों ने एक ही किलो के पैकेट में आपको दी थी और आपसे अनुरोध किया था कि जब इसकी पौध की रोपाई आप करें तो साथ में इनकी जो पैरेंट किस्म है जैसे 1847 1509 से निकली है, 1885 1121 से निकाली गई है और 1886 1401 से निकाली गई है, उन किस्मों को भी साथ में जरूर लगाएं ताकि आप खुद दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये जान पाएं कि नई किस्मों में क्या खूबियां हैं। इन नई किस्मों में पत्ती का झुलसा रोग और झोंका रोग जिसको कि ब्लास्ट की बीमारी या गर्दन तोड़ बीमारी कहते हैं बिल्कुल नहीं लगती है और इसका प्रत्यक्ष अंतर आप लोगों को देखने में मिलेगा। इसका फायदा यह होगा कि जहां एक तरफ दवाओं के ऊपर होने वाले खर्च में कमी आएगी उसी वहीं दूसरी तरफ जो चावल उत्पादित होगा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उसी में किसी भी दवा का अवशेष नहीं होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल का मूल्य अच्छा मिलेगा और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल का मूल्य अच्छा मिलेगा तो धान का रेट भी अच्छा रहेगा। एक किलो बीज आपको दिया गया है, इससे प्राप्त जितना बीज है उसको बीज के रूप में अगले वर्ष आप प्रयोग करेंगे तो इन किस्मों को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाने में बहुत मदद मिलेगी। धान की खेती में एक और नया आयाम जुड़ रहा है जो है धान की सीधी बिजाई का। धान की सीधी बिजाई से करीब 35-40% पानी की बचत होती है और इस वर्ष पंजाब में काफ़ी प्रयास किया गया है। पंजाब सरकार ने 1500 रुपये प्रति एकड़ की जो मदद की है किसानों को जो धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, उसी तरह से हरियाणा सरकार के द्वारा अगर धान की रोपाई विधि को छोड़ करके कोई किसान धान की सीधी बिजाई किया है तो उसको 4000 रुपये प्रति एकड़ और जो किसान धान की फसल छोड़ करके दूसरी फसल को अपनाए हैं उनको 7000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया गया है। उम्मीद है कि इन प्रोत्साहनों से धान की सीधी बिजाई में रकबा आगे आने वाले सालों में और बढ़ेगा और इससे जो हमारा जमीनी जल स्तर है उसमें सुधार होगा, कम पानी में धान की अच्छी खेती आप कर पाएंगे। इस दिशा में बहुत सारा शोध संस्थान में हो रहा है और उसी में एक नई पहल है धान की ऐसी किस्मों का विकास जो कि खरपतवार नाशी दवाओं के प्रति रोधी क्षमता रखती हैं। इस तरह की दो किस्में पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 हम लोगों ने विकसित की हैं जो क्रमशः पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1509 का सुधार कर बनाई गई हैं। इनको धान की सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाया गया है। इसके ऊपर बुआई के करीब 18 से 21 दिन बाद जब आप एक दवा खरपतवार नाशी दवा आती है जिसको इमीजाथापिर के नाम से जानते हैं उसका छिड़काव करेंगे धान की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन खरपतवार पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं धान की सीधी बिजाई में जो सबसे बड़ा शत्रु है वो खरपतवार होता है और खरपतवार का अगर प्रभावी नियंत्रण हम कर पाते हैं तो धान की उत्पादकता धान की सीधी बिजाई में और बढ़ेगी। उम्मीद है अगले वर्ष इन किस्मों का बीज हम आपको पर्याप्त मात्रा में दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।